झारखंड से नारा आता है कि हिंदुओं भारत छोड़ो, हो बिहार के लाल, अरे जिया तू हजार साल। हेमंत सोरेन बाबू, झारखंड में जो सुविधा होनी चाहिए वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, 1 महीने के लिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिल हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। इसी झारखंड के आदिवासी समाज के बहु बेटियों को इलीगल घुसपैठियों के अत्याचार से मुक्त कराने की जगह उनको हवा दे रहे हैं, क्योंकि वो उनके वोट बैंक। झूम झाम के 13 नवंबर के कमल के बटन दबाए भैया। बोली बोली चंद्रू धाम की, सूर्य भगवान की श्रीराम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बड़ा अच्छा लगा था आप सब लोग के बीच में आज सिमरिया विधानसभा के टंडवा में। आज हम विधानसभा चुनाव में आप लोगन के प्रणाम करे के मौका मिल गिल बा। आज आप लोग के सामने जैसा आप देख रहे हैं ये मंच पे भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही मजबूत फौज बैठी है, और हम सब लोग जिसके लिए आए हैं वो हमारे प्रिय भाई उज्जवल दास जी, उनके लिए ही मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ, आपको 2-3 बातें समझाने आया हूँ। और हम का समझाए गए भैया समझे के तो सिमरिया खुद ही समझ लेला, टंडवा खुद ही समझ लेता है। हम तो इसलिए आते हैं किसी बहाने आपका दर्शन हो जाए, इसी बहाने आप सबसे मुलाकात हो जाएगी। जब वहाँ हेलीकॉप्टर से उतरे कितना लोग तो ऐसा लागल कि आपस में उन्हीं का झुरा के गिर जाएंगे। उसमें प्यार है, और इस प्यार के बीच रोटी बेटी और माटी की पुकार है। भैया हो एक दहीने तरफ भैया है, देखो वैसे तो मैं बिना गाना गाए जाऊंगा नहीं, गाना तो मुझे गाना ही। हम जानते हैं कि हम आज तक जो भी यात्रा किए हैं उसमें हमारे गाने का, माँ जगदम्बा के भजनों का, गीतों का बहुत महत्व है। और आज भी अब तो मेरे गले में एक नई माला आ गई है, पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हाँ बागेश्वर तो ये बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी ने डाल दिया, तो मैंने कहा कि माला डाल दिए कैसे चलेगा, बोले चलाना बहुत आसान है, केवल ठान लेना है। मैंने करना क्या, बोले शाकाहारी हो जाना। तो मैं पिछले 6 महीना से एकदम शुद्ध शाकाहारी हो चुका है। जीवन में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करते। मंच पे बैठे हुए आदरणीय श्री रामदेव सिंह भोक्ता जी जिलाध्यक्ष चतरा, श्री मां लंबोइया ने हमको 3री बार सांसद बना दिया। अब चंद्रू धाम में आए हैं आशा बटे 4th बार भी। जितने लोग ने माला पहनाया हमको, जो एक माला मंच पे पहनाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम अपने तरफ से 1000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाए। हमारे आदरणीय
किशन कुमार दास जी बड़े दिल के व्यक्ति हैं, वरना आजकल राजनीति में किसी को कह दिया जाए कि अब आपकी जिम्मेदारी अलग रहेगी तो उसका पता नहीं कैसा कैसा मन हो जाता है। एक ताली जोरदार बजनी चाहिए किशन कुमार दास जी के लिए मेरे भाई। श्री मिथिलेश गुप्ता जी जिला के महामंत्री हैं, डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, यहां से लेके वहां तक ऐसा लग रहा है कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद मोदी जी को धन्यवाद देने आए हैं सबको। मेरे युवा भाई खड़े हैं बीच में, जो भैया हैं बाएं तरफ दाहिने तरफ कुछ पीछे गाड़ी के पास, और मंच पे सबका नाम नहीं ले पाया होगा, हमारे भाई बहन, समय की थोड़ी सी जरूर कमी है क्योंकि एक दिन में चार चार जगह जाए के पड़ता है, और हम आप लोग से केवल तीन चार को बात कहल चाहता नहीं और दू को गाना सुनावल चाहता, तीन चार बात और दू को गीत, लेकिन ओकरा में आप लोग के एक बात समझे के पड़ी। आप हमनी के किशन कुमार दास जी के विधायक जरूर बना देले रहनी, लेकिन पूरे झारखंड में थोड़ा सा हमनी के संख्या कम रह गए। उस कम रहने का आप देखिए झारखंड ने कितना नुकसान झेला है। आज झारखंड में, इसी झारखंड में कुछ लोग जिनको सरकार का समर्थन प्राप्त है, हेमंत सोरेन सरकार का, वो कहते हैं हिंदुओं भारत छोड़ो। इसी झारखंड से नारा आता है कि हिंदुओं भारत छोड़, और जो कहता है वो दूसरा नारा लगाता है आदिवासी भारत छोड़। ये बर्दाश्त करने वाली चीज है, लेकिन आप मजबूर थे क्योंकि आप तो 5 साल के बाद ही अपनी ताकत दिखाते हैं, और ये 5 साल बाद जो ताकत है वो 13 नवंबर का, 13 नवंबर को है। हे मेरे सिमरिया विधानसभा में टंडवा में बैठे भाई बहन, जब वोट देने 13 को जाइएगा तो ये नारा आपके दिमाग में गूंजता रहना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो नारा लगाते हैं ये तो बाद में ढूंढिएगा, लेकिन कौन लोग हैं जो नारा लगाने वालों का साथ देते हैं उस हेमंत सोरेन और कांग्रेस सरकार को बताइएगा। हम गाना गाते गाते चले आए राजनीति में, लेकिन हम आज भी, मुझे लगता है मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं समाज नीति में। आज भी अगर कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति भी कोई अच्छा काम कर देता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं ये तो तुम्हारा काम अच्छा है, ये हमारा संस्कार है। लेकिन सोचिए जो लोग इसी आदिवासी समाज से, इसी झारखंड के आदिवासी समाज के बहु बेटियों को इलीगल घुसपैठियों के अत्याचार से मुक्त कराने की जगह उनको हवा दे रहे हैं क्योंकि वो उनके वोट बैंक हैं, तब याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के साथ, और जब अमित शाह जी आपके सामने मैनिफेस्टो घोषित कर रहे थे तो ये बात याद रखिएगा कि अब स्पष्ट रूप से कहा है इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है झारखंड में, और सरकार बनते ही न सिर्फ इलीगल घुसपैठियों को चिन्हित करेंगे बल्कि उनको वापस डिपोर्ट करने के लिए जो जो करना होगा वो भी काम किया जाएगा, और जो जमीनें वो यहाँ कब्जा किए हैं उनको भी छुड़ाया जाएगा। आप ये चाहते हैं कि नहीं, कैसा होना चाहिए, कौन कौन चाहते हैं, हाथ उठा दो, कहीं मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा, ठीक है बस धन्यवाद। एक दूसरी बात आप समझ लीजिए, बीजेपी जो कहती है वो, अरे जोर से बोलो, इसमें कोई दो राय तो नहीं। हमने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे, हट गया हो तो ताली बजा के एक बार मोदी जी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बन गया। हमने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, अगर बन गया हो तो एक बार ताली बजा के आपको स्वागत करेंगे। हमने कहा था 3 तलाक जैसी को प्रथा हटाएंगे तो आप लोग उसके लिए जय श्री राम के नारे से गुंजा दीजिए मुट्ठी बांध के, जय श्री राम, जय जय
क्या करें ये थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम सब बात नहीं कहेंगे। मेरे पास 3-4 पन्ने में लिख के हम रखने वाली कि बीजेपी क्या क्या कह रही है। वैसे बहनों के लिए एक बात बता दें, इस बार बीजेपी जैसे ही सरकार बनाती है, उज्ज्वल दास जी यहाँ से विधायक बन के जाते हैं, बीजेपी की सरकार बनते ही झारखंड की प्रत्येक महिला को हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपया उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। 2100 रुपया के साथ साथ युवा लोग नोट करो, युवा लोग हमारे जब ग्रेजुएट हो जाते हैं, अपने कैरियर को बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, जिस समय आप संघर्ष कर रहे होंगे उस समय 2 साल तक झारखंड में बीजेपी की सरकार आपको 2000 रुपया महीना कैरियर बनाने के लिए हर महीने देगी। ये भी याद रखिएगा, और ये भी आपको याद रखना है, पीछे हम जब मनिका विधानसभा से निकल रहे थे तो हमसे मीडिया के लोग पूछे कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 500 रुपया में एलपीजी सिलेंडर देंगे। हमने कहा कि 500 रुपया में देंगे और 2 महीना 2 ठो फ्री भी देंगे। 2 देंगे, कब देंगे? जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी, तब हमारे देश का खजाना और झारखंड का खजाना इस लायक हो गया है कि हम ये अपने लोगों को कर सकते हैं। हम पहले साल में नहीं कहे थे, देखो भैया तो हम लोग घर चलावत हो, भोजपुरी समझ ली तनी जा, आप लोग घर चलावत हो कब जा, तब पहले पहले नया नया नौकरी लागी, तब पहला महीना दूसरा महीना साल भर तनी हाथ सकेता में चलेगा, चलता है ना दीदी। आज जब आगे तनी प्रमोशन हो गई, वेतन बढ़ गई, पैसा बढ़े लागल, तो फिर घर में नया फ्रिज आ जाए, चलो हमके गोवा घुमाओ तो घुमा दी आगे। तो इन सारी चीजों में अब बीजेपी खजाने को इतना मजबूत कर चुकी है कि ये सारी चीजें जो हमने झारखंड में वादा किया है, आप ये भी याद रखिए, 2,87,500 झारखंड में सरकारी जो पद है वो रिक्त है, उसको भरेंगे भी, और 5 लाख स्वरोजगार का मौका झारखंड के जो युवाओं को देंगे। ये सब भी आप याद रखिएगा। इससे ज्यादा हम कुछ इसमें कहना नहीं चाहते, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चिट्ठी नरेंद्र मोदी की है, ये चिट्ठी नरेंद्र मोदी के पार्टी भारतीय जनता पार्टी की है, और बीजेपी के साथ साथ हमारे एनडीए के साथियों की। यहाँ आजसू के लोग है कि नहीं, कौन है? अच्छा जिला अध्यक्ष है, क्या है? अच्छा केंद्रीय सदस्य। एक बार आजसू के लिए भी ताली बजा दीजिए, सुदेश महतो जी के लिए, चिराग पासवान जी के भी लोग पार्टी होंगे वो भी है, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए, और नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू के भी लोग होंगे तो उनके लिए भी ताली बजा दीजिए, जीतन राम मांझी जी की पार्टी उनके लिए भी ताली बजा दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी है उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। हम एक हैं और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, बस पहली बार नरेंद्र मोदी जी के मुख से मैंने 3 दिन पहले महाराष्ट्र में सुना, हे मेरे भैया बटना नहीं है, बटेंगे नुकसान होगा। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, वैसे देखिए एकता में तो हमेशा शक्ति है। हम लोग पहले भी कहते थे जब हमारे देश के लिए लोग गाना गाते थे ना, अभी भी गीत गाते हैं कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिल हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक। वैसे तो ये देश के लोग गाना गाते थे, लेकिन भाजपा के लोग जरूर गाते थे, जनसंघ के लोग गाते थे, जब हम लोग 2 ही सांसद होते थे।
आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरा भाई तोखन साहू जो आपके यहां प्रभारी बन के हैं, ये छत्तीसगढ़ की माटी के हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बोली थी कि हम जब जीतेंगे तो 1000 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। तोखन बाबू, जब हम तोरे यहां गए तो ये जो ये प्रचार में तो मार मेहरारू हमरा के चेक ले ली सर, चेक ले सर घेर लिया तो हमको हमरा के घेर ले ली सर। तो जो हिंदी नहीं समझते हैं वो थोड़ा अनुवाद करा लीजिए। बहुत खुश भैया। तो भैया आयोग क्रम में बहुत बुजुर्ग माता जी रह ली, वो लिटरली मेरा ना एक कॉलर पकड़ ली। तो हमने पूछा, अब मेरे साथ 2-3 सिक्योरिटी थे, थोड़ा घबरा गए, क्या हुआ, कहीं अटैक तो कोई माता जी दूसरी विचारधारा से तो नहीं है। तो मैंने कहा रुको रुको सुनो पहले क्या कहना चाहती। मैं समझ गया कुछ तो प्रॉब्लम है, वो हमको राहुल गांधी का साथी समझ रही है। उसको लगा ये उसी का आदमी, ज्यादा माता जी बहुत पॉलिटिकली अवेयर नहीं थी। मुझे उनसे पता चला कि 1000 रुपया कहे थे और 5 साल बीतने वाला है, एक ने पैसा नहीं दिया। ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो साथ में चलती है उनकी नीति है। यहां भी सुने थे कि 2500 रुपया देंगे, कितना कितना किया, जब पूरा 5 साल बीत गया तो अंतिम में 1-2 महीना में कौन सुने हैं कि कुछ 1000 रुपया शुरू किए। हेमंत सोरेन बाबू, झारखंड में जो सुविधा होनी चाहिए वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, 1 महीने के लिए। और बीजेपी कह रही है हम 2100 रुपया देंगे, हम यहां तक कि हम अपने जो लोग हमारे महिलाओं के नाम से घर द्वार संपत्ति खेत बाजार लिखाएगा 50 लाख रुपए का, उसका स्टैंप कितने का लगेगा पता चला, 1 रुपए का, लेकिन नया नहीं लगेगा। ये जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसा ही होता था, बीच में आकर के हेमंत सोरेन जी उसको खत्म कर दिया। महिलाओं से आपकी क्या दुश्मनी है हेमंत सोरेन भाई, आप महिलाओं के नाम से 1 रुपया स्टैंप को बढ़ा करके जनरल कर दिए, 600 रुपया ट्राली बालू मिलता था आज 6000 रुपया हो गया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, 10000 रुपया हो गए। अब हमारी सरकार कह रही है कि जब हमारी जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी अपना घर बनाने के लिए आपको बालू मुफ्त में देगी, बालू का पैसा लेंगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा देखो, हम तो एक बार हमें गाना गाए थे, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, गाना था कि हो जिया हो बिहार के लाल, अरे जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो झारखंड के बाला, बाला मिस बेटियां, मेरी बेटियों तुम जियो और नरेंद्र मोदी आपके साथ है। अब बेटी पैदा होती है तो टेंशन मत लीजिए, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी कर लेते हैं। ए मेरे भैया, अरे तनी नाची के तनी गाई के तनी धूम धाम से तनी झूम झाम के 13 नवंबर के कमल के बटन दबाए भैया। अरे मनो जवाया इल बाटे तो हमरो इज्जत बढ़ावाए भैया, बड़े के नहीं चाहिए हमार। अरे भाई मैं कहीं का भी सांसद हूँ, मेरे माथा पे तो झारखंड बिहार लिखा हुआ है ना हो भैया। अभी हम न्यूयॉर्क गए थे अमेरिका इंडिया डे परेड में, तो वहां जितनी बार नारा लगता था भारत माता की जय, उतने ही बार नारा लगता था जय बिहार और जय झारखंड। मेरे मीडिया के भाई बहन याद रखना, अमेरिका में एक एसोसिएशन था
बाना माने बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका अब झारखंड बनने के बाद बजाना हो गया है, बिहार एंड झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्राउड फील करिए, आप यही नहीं दुनिया के लोग देख रहे हैं हमारे आदिवासी बहु बेटियों की इस तरह की इज्जत। इज्जत पे संकट आ गया हेमंत सोरेन जी की सरकार में। इस तरह हम भी कई जगह गोड्डा गए थे, दुमका गए थे, जहां कई बच्चियों को जिन लोगों ने मार दिया, हेमंत सोरेन जी की सरकार उनका जाति धर्म देख करके उनके साथ खड़ी हो गई मारने वालों के साथ। आप लोग ऐसी व्यवस्था चाहते हो दीदी? आप लोग ये चाहने वाले होंगे कि हमारे झारखंड में जिसने भी अपराध किया, अगर मनोज तिवारी भी अपराध करे तो उसके लिए भी कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसी सरकार यहां पे होनी चाहिए, कोई भेदभाव ना करे। भैया आजकल एगो पंचायत सीरीज आए लगा, पता नहीं देख रहा जा कि नहीं देख रहा जा। पंचायत सीरीज में हमने गाना गाया, आज के प्रोग्राम से सेट बैठ रहा है। जब हमारे बाई तरफ उज्जवल दास जी हैं, जब हमारे किशन भाई साहब विधायक जी यहाँ बैठे हैं और बनने वाला विधायक बाई तरफ खड़ा है, तो मनोज तिवारी का गाना एक बार होना चाहिए। अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगा मूरत हो ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तारा हा जरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी ए करे तारा, वो जो दीदी लोग बैठी है ऊपर, अरे बाबा छठ करते हो, करना चाहिए। अरे हमारा बुझाता उज्जवल, अरे विधायक हुई है असमरिया के लायक हुई है हो। एक बार दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देगा, जितने लोगों के हाथ है एक बार दोनों हाथ उठा के कहिएगा, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा ई तो जीएम होई है ओकर ऊपर पूछो। मुझे क्यों शब्दों में बांधना है, ये कुछ भी हो सकते हैं। उज्जवल भाई हम आपके चुनाव में थोड़े देर के लिए आए हैं, लेकिन आप एक काम करना, मैं चाहता हूं कि आज तो मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना करने आया हूं, अगली बार हमको खाली गाना गाने को थोड़ा मेरा म्यूजिक व्यूजिक आए, और ये सब टेंट नहीं लगाओगे ना, चौकी लगा दोगे तभी काम चल जाएगा। एक बार ऐसा करो कि मनोज तिवारी टंडवा में सिर्फ एक दिन गाना गाने ही आए। मेरा एक बड़ा फेमस गाना है, चट देनी मार देनी देखो भैया ये रिश्ता जो है ना, कई लोग हमसे पूछते हैं, मनोज तुम क्या करते हो कि तुमको सुनने के लिए इतने लोग आ जाते हैं? हमने कहा कुछ नहीं करते, केवल स्नेह बनाए रखते हैं। स्नेहिया लगा बहुत बात नहीं है, स्नेहिया निभा बहुत बात हो, रिश्ता बनावा बहुत बात नहीं थे। हमारा तोखन भाई तो मिनिस्टर बन गया है, ए तोरे पास कौन कौन विभाग पाओ है? हाँ आवास एवं शहरी विकास, बहुत तगड़ा वाला मंत्री। और ये प्रभारी है ये तो खुदे बोल दिए हैं, लेकिन ये विश्वास रखिए अगर आपका दिल्ली में भी कोई काम पड़े तो मनोज तिवारी आपके लिए सेवा में खड़ा रहेगा मेरे भैया। अब तो एक जनरल काम होता है, किसी का टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, तो देखा
पहुंचे के दिल्ली पहुंच जी हजा आवे के मेरी टिकट आरएसी नहीं रही पक्का कंफर्म करवा दे मगर उज्जवल दास लिख के दे देना तो कंफर्म है कंफर्म है। ये सब काम हम लोग छोटा मोटा कर सकते हैं लेकिन जो रिश्ता बना है उसको बनाए रखना 13 नवंबर को कमल का दिया जलाए रखना। हे मेरे भाई हे मेरे भैया हे मेरे दीदी आज हम आप सबके सामने फिर से दोनों हाथ फैला के आए हैं। नरेंद्र मोदी का जो सोच है झारखंड के लिए उसको जगाए रखना मेरे भैया उसको जगाए रखना। अपने मीडिया के भैया लोगों को भी सभी लोगों को आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए मुझे यहाँ से एक टंडवा के हुस्न के कोठी में नजर न चक्करो लग जाए ऐसे मरिया के हुस्न के कोठी में आए गुने मुआ तू चार हो मरीचा लटका के रखी है उज्जवल के छोटी कुछ भी गा देता हो। हे मेरे भैया हो दीदी हो आप लोग अपना अपना ख्याल रखना। नरेंद्र मोदी को डबल इंजन लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी को लगाते हैं और कुछ को चल रहा क्या कह रहे हो। अरे ऊपर वाली के चक्कर में लड़का को पिटाई हुआ मस्त रहो आप लोग एक बार खड़े होकर के अपनी अपनी जगह पे हमारे उज्जवल दास जी के लिए दोनों हाथ उठा के कहना बात।